यूपी में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का एक्शन। सचिव अर्पणा ने एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ एस्मा लगाने के दिए निर्देश, कहा हड़ताल खत्म नहीं तो करें कार्रवाई। लखनऊ में स्वास्थ्य भवन के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों का धरना, मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। एसोसिएशन के पदाधिकारियों को समझा रही पुलिस, गड़बड़ी का आरोप लगाकर तबादले निरस्त करने पर अड़े कर्मचारी। कन्नौज में एम्बुलेंस कर्मचारियों और चालकों ने मेडिकल कॉलेज में किया प्रदर्शन, मांगे पूरे नहीं होने तक एम्बुलेंस खड़ी रखने की दी चेतावनी, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की कर रहे हैं मांग। बरेली में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर बैठे, अलग अलग मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में दिया धरना। कर्मचारियों की मौत पर परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग, एम्बुलेंस संचालक कंपनी के अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। उन्नाव में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से परेशानी, एम्बुलेंस चालकों ने किया चक्का जाम, कार्य बहिष्कार करने से मरीज मुसीबत में, स्वास्थ्य सेवाएं हो रही प्रभावित। एम्बुलेंस चालकों के प्रदेश व्यापी आंदोलन का कानपुर में व्यापक असर देखने को मिला। एम्बुलेंस चालक काशीराम ट्रॉमा सेंटर में गाड़ियां खड़ी कर धरने पर बैठ गए। मैनपुरी में एम्बुलेंस कर्मियों ने किया चक्का जाम, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, क्रिश्चियन फील्ड मैदान में खड़ी की दर्जनों एम्बुलेंस। बांदा में 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पुराने कर्मचारियों के वेतन भुगतान न करने समेत कई मांगे। समायोजन सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर जालौन में एम्बुलेंस कर्मियों ने दिया धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार किए जाने की चेतावनी देकर किया चक्का जाम। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से लखनऊ में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में मरीजों का आना हुआ कम, इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मी। फिरोजाबाद में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सभी गाड़ियों को रामलीला ग्राउंड में खड़ा करके नारेबाजी, कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा धरना। संगम नगरी प्रयागराज में भी 102 और 108 के एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया, सभी एम्बुलेंस कर्मी कामकाज छप कर हड़ताल पर चले गए, धरना देकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आजमगढ़ में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस के साथ कर्मचारियों ने दिया धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर रोजाना धरना देने की कही बात। प्रयागराज में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन, वैदिक मंत्रों के पाठ और फूलों की माला के जरिए किया गया सतीश चंद्र मिश्रा का स्वागत। ।2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सभी नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों के साथ हुई मीटिंग, इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। सीएम योगी ने MYGOV पोर्टल लॉन्च किया और कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग MYGOV पोर्टल से जुड़े, कोरोना काल में तकनीक का काफी उपयोग महसूस हुआ। सीएम बोले तकनीक के माध्यम से यूपी में राजस्व बढ़ा, यूपी ने हर क्षेत्र में विकास किया, साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा पिछली सरकारें घोषणाएं करती थी और योजनाएं लागू नहीं होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा इस पोर्टल की लॉन्चिंग से जनता और सरकार के बीच दूरी कम हो जाएगी, इसके साथ ही जनता को योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिलेगी। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता सवार दिखे। ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर चिपका था और किसानों के समर्थन में बातें कही गयी। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा ये किसानों की आवाज़ है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही, सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा, ये काले कानून है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, काले कानून है,
इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कहा जा रहा है। सरकार के मुताबिक तो किसान खुश हैं। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए बीएस येदुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम करना है, हम सभी को मेहनत के साथ काम करना चाहिए। भावुक हुए बीएस येदुरप्पा ने कहा, वो हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, ट्वीट कर लिखा, मानदेय बढ़ाने का फैसला काफी देर से लिया गया, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। चुनाव नजदीक आते ही ऐसे फैसले कांग्रेस लेती थी, अब भाजपा कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलने लगी है। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने से नहीं होगा किसानों का भला। साथ ही सपा बसपा पर वार करते हुए कहा, ब्राह्मण ना सपा के साथ जाएगा ना बसपा के साथ, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है। बसपा सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का बयान, कहा 95% ब्राह्मण बीजेपी के साथ, बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन अम्बेडकर की नीति के साथ धोखा, ब्राह्मण शंख बजा रहा है और हाथी जंगल चला गया। 95% ब्राह्मण बीएसपी के साथ नहीं रहा, सपा के साथ नहीं रहा। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर महंत नरेंद्र गिरी का बयान, कहा सियासी फायदे के लिए याद आ रहे हैं ब्राह्मण, जाति के नाम पर सम्मेलन करना पूरी तरह से गलत, विकास को लेकर हो सम्मेलन। बसपा के बाद अब ब्राह्मण वोट बैंक साधने में जुटी सपा, 23 अगस्त से पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू करेगी सपा, बलिया से ब्राह्मण वोट के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। यूपी में लगभग 13 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर, विजय किरण आनंद बने गोरखपुर के डीएम, सेल्वा कुमारी को अलीगढ़ का डीएम बनाया गया, चंद्रभूषण सिंह को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई। पूर्व उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संभाला नेता प्रतिपक्ष का पदभार, विधानसभा में प्रीतम सिंह को बधाई देने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, इंदिरा हृदेश के निधन के बाद से खाली पड़ा था पद। करगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीद स्मृति वाटिका जाकर मुख्यमंत्री ने चढ़ाए फूल, शहीदों के परिजनों को भी किया सम्मानित। करगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम ने यूपी में 100 सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव की भी बात कही, कहा हर कमिश्नरी में एक एक सैनिक स्कूल खोलेंगे, अभी मौजूदा 4 सैनिक स्कूल यूपी में चल रहे हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर नए बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, इन वीर सपूतों के कारण ही देश के 136 करोड़ लोग असुरक्षित हैं, शहीदों के परिवारों को सरकार मदद करती रहेगी। राज्य सरकार अपनी ओर से शहीद परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता, मार्ग के नामकरण के साथ साथ उनका कोई एक स्मारक बनाने की कार्रवाई भी अपने स्तर पर बनाना प्रारंभ की है। करगिल दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं और वेटन्स की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर की 10,000, एसएसबी की तैयारी करने वाले छात्रों को भी सरकार देगी 50,000 रुपए की मदद। 22वें करगिल विजय दिवस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही तीनों सेना प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस पर राज्यसभा सदस्यों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लोकसभा में भी शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध के शहीदों को याद किया और कहा कि उनकी बहादुरी हर दिन देशवासियों को प्रेरित करती है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, देश की सुरक्षा के लिए आपकी और आपके परिवारों के इस सर्वोच्च बलिदान को हम हमेशा याद करेंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय आर्मी की ओर से खास ट्वीट किया गया। सेना ने तमन्ना बी कुकरेती की कुछ पंक्तियां ट्वीट की। करगिल की चोटियों पे दुश्मनों को हमने झुकाया है, हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को फहराया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज द्रास जाने का कार्यक्रम रद्द। पिछले साल भी राष्ट्रपति का द्रास जाने का कार्यक्रम खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया था। द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले थे राष्ट्रपति। लखनऊ के रहने वाले शहीद विवेक सक्सेना का परिवार करगिल विजय दिवस के दिन धरने पर बैठ गया। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन की घोषणाएं 18 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई। करगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक में सैनिक कल्याण समिति ने तमाम कार्यक्रम आयोजित किए। डीएम समेत कई गणमान्य लोगों ने इस मौके पर शहीदों को नमन किया। सावन का पहला सोमवार आज भगवान शिव की नगरी काशी में जुटे श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान कर सुबह सुबह की पूजा अर्चना। इस दिन भगवान शिव की पूजा का खास महत्व। बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगा भक्तों का तांता। कोविड प्रोटोकॉल के बीच भक्त कर रहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा महादेव का दरबार। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालु। कोरोना नियमों का पालन करते हुए शिव शंकर भगवान को लोगों ने जल चढ़ाया और पूजा की। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की भव्य भस्मारती हुई। इस दौरान राधिका राज महाकाल का दूध दही शहद और जल से स्नान करवाकर अभिषेक किया गया। गाजियाबाद के मशहूर दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। काफी संख्या में लोग मंदिर के बाहर कतार में खड़े हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोगों ने भगवान शिव को दूध और जल चढ़ाया। कानपुर के शिव मंदिरों में सुबह से ही बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। प्रसिद्ध परमठ शिव मंदिर पर भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहां देर रात से ही शिव दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। मंगला आरती के बाद भक्तों को बाबा के दर्शन हुए। अयोध्या में भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। शहर के शिवालयों में विशेष तैयारी की गई। शिवालयों में जलाभिषेक कर भगवान भोले से मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। आजमगढ़ में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों और शिवालयों में अच्छी खासी भीड़ रही। बाबा भवरनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। हर तरफ भक्ति की गूंज थी तो वहीं मंदिरों के बाहर कहीं फूल बिक रहे थे तो कहीं प्रसाद। गोरखपुर के मानसरोवर शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। सावन के महीने में हर साल यहां भक्तों की जुटती है भीड़। सावन के पहले सोमवार पर गोंडा में भी रौनक दिखाई दी। यहां भी शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा रहा और लोगों ने जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार पर देहरादून के मंदिरों में शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तमाम भक्त भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के सोमवार पर भक्तों ने पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं मांगी। जागेश्वर धाम में सावन के सोमवार को पार्थिव पूजा करने का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी कई घटनाओं में अब तक करीब 150 लोगों की मौत, 100 लोग लापता। इन घटनाओं में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। उत्तरकाशी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश। बारिश के चलते नेशनल हाईवे 108 गंगोत्री नेशनल हाईवे रतूड़ी सेरा के पास बंद। हाईवे पर गंगा के तेज बहाव से हो रहा कटान। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पेड़ गिरे।
गोरखपुर में भारी बारिश के बाद राप्ती और रोहन नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। पश्चिमी छोर पर बंधे से सटे इलाकों में लोग रोजमर्रा के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों में भी 6 से 7 फीट तक पानी जमा है। बिजनौर में बाढ़ से हालात बेकाबू, लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण और स्कूली बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूरी में नदी को पार कर रहे हैं। जल भराव से दर्जन भर गांव नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित। थमती जा रही कोरोना की रफ्तार, लगातार चौथे दिन 40,000 से कम 39,361 केस आए, 416 संक्रमितों की गई जान। एक दिन में 35,968 लोग कोरोना से ठीक। 2,977 एक्टिव केस बढ़े, एक्टिव केस की संख्या पहुंची 411,189। देश में अब तक 3,14,11,262 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, 4,20,967 लोग की हो चुकी मौत, 3,05,79,106 लोग जी चुके कोरोना से जंग। भारत में एक दिन में 18,99,874 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 43,51,96,001। 24 घंटे में 11,54,444 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए, जिसके बाद टेस्टिंग की तादाद हुई 45,74,44,011। कोविड पर नियंत्रण में देश में नंबर 1 पर यूपी, 11 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त, 53 जिलों में कोई कोरोना केस नहीं आया, 22 जिलों में कोरोना केस सिंगल डिजिट में, 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 33 नए केस आए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हैं 857। गोवा सरकार ने कोरोना को लेकर राज्य में लागू कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा में पहली बार 9 मई को कर्फ्यू लगाया गया था, तब से लेकर इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। दिल्ली में अनलॉक की एक और प्रक्रिया की हुई शुरुआत, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ रही दिल्ली मेट्रो। अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं रहा। मथुरा में दहेज के मुकदमे की जांच करने गए दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों राजस्थान की एसीबी ने गिरफ्तार किया। थाना मगोर्रा में तैनात उप निरीक्षक प्रेमपाल राजीनामे का दबाव बनाने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। दारोगा साहब का सौदा 1,00,000 रुपए में तय हुआ था। अलीगढ़ पुलिस ने बच्चों को चोरी कर बेचने वाले बड़े रैकेट का किया खुलासा। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, ये लोग गरीब परिवारों के बच्चे चुराकर लाखों रुपए लेकर बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 बच्चे भी बरामद किए। बरामद बच्चों में गाजियाबाद के 2 और अलीगढ़ के 3 बच्चे हैं। ग्रेटर नोएडा में माफियाओं पर एक्शन जारी, पुलिस ने कुख्यात बदमाश राज भाटी के भतीजों के 2 फ्लैट कुर्क किए। कुर्क संपत्ति लगभग 1,90,00,000 की है, ये दोनों बदमाश सुंदर भाटी गैंग के हैं। तेज बारिश में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी, 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं कर्मचारी। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने दिया कर्मचारियों को समर्थन। प्रदेश में जारी अलर्ट के बाद अल्मोड़ा में मौसम ने अचानक करवट बदली, आसमान में घने बादल छा गए। वहीं पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश से जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। रुद्रप्रयाग के सिल्ला बामन गांव में आदमखोर गुलदार की दहशत खत्म, 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को वन विभाग की टीम ने किया ढेर। गुलदार को मारने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में, रुड़की में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने 3 मंडलों में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर चर्चा की। अमरोहा के हाशमी नगर में भूमाफियाओं ने हरे भरे आम के बाग में आरी चलवा दी। आम के पेड़ों के कटान की वीडियो किसी ने जिले के आला अधिकारी को भेजी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। SDM विवेक यादव ने मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की बात कही। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण को फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा CBI ने रिपोर्ट में बताया कि उसने FIR दर्ज कर ली है, अब अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं, कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करें। देश की राजधानी दिल्ली में हर 2 बालिकों में 1 के जीवन की गुणवत्ता खराब मानी जा रही। डेनॉन इंडिया और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कराए गए सर्वे में ये जानकारी सामने आई।
वहीं मुंबई में 68% लोगों की गुणवत्ता बेहतर दिखी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन 26 जुलाई को सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। लाल निशान पर खुले बाजार कारोबार बंद होने तक 123 अंकों की गिरावट के साथ 52,852 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 31 अंक लुढ़क कर 15,824 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार 26 जुलाई को सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। शुक्रवार के मुकाबले सोना 223 रुपए हुआ महंगा, 47,926 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे 24 कैरेट सोने के भाव। वहीं 231 रुपए के उछाल के साथ 67,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका में अच्छा प्रदर्शन जारी। वनडे सीरीज जीतने वाली शिखर धवन की टीम ने टी20 सीरीज का आगाज भी जीत से किया। सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 38 रनों से हरा दिया। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में सभी खिलाड़ी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पहले एपिसोड में मगरमच्छ के साथ खास ट्यूनिंग बनाकर सभी के होश उड़ाने वाली दिव्यंका ने फाइटर प्लेन पर किया जबरदस्त स्टंट। सोशल मीडिया पर हुई ट्रेंड, फैंस बोले धाकड़ गर्ल। करण वाही ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जो चर्चा में बनी हुई है। करण वाही ने 3 फोटो शेयर किए हैं। फर्स्ट फोटो में बिल्कुल फिट और एब्स फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं। दूसरे फोटो में करण का पेट निकला हुआ है। वहीं तीसरे फोटो में करण एब्स में वापस दिख रहे हैं।